नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा बिहार भाई और बहनों, बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और इसी तरह की और भी बड़ी खबरें, सच्ची खबरों के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। आज की पहली खबर बात है CDS के निर्देशानुसार तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना वायरस के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। इसी के तहत भारतीय वायुसेना ने पटना ने भी कोरोना वायरस के ऊपर पुष्प वर्षा की है। पटना के निकट एटा वायुसेना स्टेशन के जवान और अधिकारियों द्वारा MI-17 हेलीकॉप्टर से पटना के एम्स और नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर आसमान से फूलों की जोरदार बारिश की गई। इस दौरान कोरोना वायरस अस्पताल के प्रांगण और छतों पर खड़े रहे और इनका पुष्प सम्मान स्वीकार करते रहे। याद रहे कि कोरोना वायरस के ग्रसित एवं महामारी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां हमारे चिकित्सा कर्मियों की ही है, अतः इनका सम्मान करना आवश्यक है। एक खबर निकल कर आ रही है स्पेशल ट्रेन के संबंध में। यहाँ बिहार निवासी जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल बिहार सरकार के निर्देशानुसार कोटा, बेंगलुरु और केरल से कुछ 6 ट्रेनें बिहारी प्रवासियों को लेकर अगले 2 दिनों में बिहार पहुंचेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक 6 स्पेशल ट्रेनें विभिन्न प्रदेशों से आएंगी। ये सारी ट्रेनें 3 मई तक चलाई जाएंगी, जो 4 मई और 5 मई को दानापुर, गया और बरौनी स्टेशन पहुंचेगी। पहुंचने के बाद उन सभी यात्री का पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, तभी अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। अगली खबर है कि अब लॉकडाउन का साइड इफेक्ट बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। आज इसी के साइड इफेक्ट का बुरा खबर यह है कि कर्ज से परेशान पति पत्नी ने खुदकुशी दर्ज कर लिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार के हाजीपुर में सराय थाना क्षेत्र की है। शनिवार की देर रात कर्ज से परेशान पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से घर का आमदनी रुक गया था, जिससे दोनों दाम्पत्य परेशान कर्ज न चुका पाने से परेशानी से बढ़ती जा रही थी, जिससे तंग आकर पहले दोनों ने आत्महत्या कर लिया। एक खबर आ रही है रामायण की लोकप्रियता को देखते हुए। रामायण अभी तक डीडी नेशनल पर दिखाया जा रहा था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। उसकी लोकप्रियता को देखते हुए स्टार प्लस ने उसके दिखाने का राइट ले लिया है। अब यह रात को 9:30 बजे 4 मई से दिखाया जाएगा। बहुत बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है। भागलपुर में कोरोना के 6 और मरीज मिले, जिससे वहाँ के कुल मरीजों की संख्या 9 हो चुकी है। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, पटना मेट्रो के संबंध में। वर्षों से लंबित पटना मेट्रो का रोड मैप तैयार हो चुका है। नेशनल हाईवे 30 से होकर गुजरने वाली इस मेट्रो के प्रस्ताव को NHAI ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत यह तय हुआ है कि 0 माइल पर मेट्रो की ऊंचाई 12 मीटर से ऊपर होगी। जी हाँ, बहुत वर्षों से इन्हीं कुछ कारणों से मामले लंबित थे। PMCH के पास भी स्वास्थ्य विभाग ने अपना क्लियरेंस दे दिया है। दानापुर कैंट में मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मांगी गई है, जिससे अब पटना मेट्रो का सपना पूरा होता दिख रहा है। अगली बड़ी खबर बिहार के बच्चों के लिए। बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आ सकता है मई के अंतिम तक। बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं का 75% मूल्यांकन कार्य हो चुका है। आगे की प्रक्रिया पूरी करने में बिहार बोर्ड को सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे। पटना लॉकडाउन के कारण देश भर की शिक्षा व्यवस्था पर काफी असर पड़ रहा है। खासकर 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा, इंजीनियरिंग मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया होता तो बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट आ चुका होता मई के दूसरे सप्ताह तक। बट अगर 17 मई तक लॉकडाउन हो चुका है, अब उम्मीद कर सकते हैं कि मई के अंतिम तक बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। राज्य में COVID-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 494 पहुंच गई है। उत्तर बिहार में रविवार को 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। मुजफ्फरपुर SKMCH माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी लैब की रिपोर्ट के अनुसार शिवहर में 1, बेतिया में 4 और पूर्वी चंपारण में 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस तरह अब तक बिहार में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 494 हो गई है। इससे पहले रविवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया था कि कटिहार में 30 साल के एक युवक, बक्सर में 22 साल के युवक और 1.5 माह की एक बच्ची तथा कैमूर में 35 साल का एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चलिए चलते हैं अगली खबर पे। बिहार में फोन ज्यादा आने से हेल्पलाइन नंबर हुए क्रैश, अब नए नंबर पर करना होगा कॉल। जी हां, बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शनिवार को जारी किए गए नोडल अफसरों के मोबाइल नंबरों पर इतने फोन आ गए कि वो क्रैश हो गए। इसके बाद अब विभाग ने लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों की सहायता के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार के बाहर फंसे श्रमिक और छात्र छात्राएं जो वापस आना चाहते हैं, वे 0612-229-4204, 0612
22942052 पर संपर्क कर अपनी जानकारी दे सकते हैं।